नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। और जैसे ही जो बाइडेन ने शपथ ली है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर चिंता होने लगी है, क्योंकि जब सत्ता बदलती है, विचार बदलते हैं, हुक्मरान बदलते हैं, तो फिर रिश्तों में भी कई बार कुछ रिश्ते किसी देश के साथ अच्छे हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते जो हैं इन्हीं देशों के साथ और ज्यादा कठोर हो जाते हैं। इन्हीं में से एक देश है चीन, जिसके साथ हमेशा से कटुता ही रही है रिश्तों में अमेरिका की। और डोनाल्ड ट्रंप तो कितने धुर विरोधी रहे हैं चीन के, हमने देखा ही था। लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, बदल गया है, अब जो बाइडेन बन गए हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, तो सबको ये उम्मीद थी कि चीन के साथ हो सकता है कुछ रुख बदले। पुराने उनके बयानों को देखते हुए सबको ये लग रहा था कि हो सकता है थोड़ा सा सॉफ्ट रुख अपनाया जाए चीन के लिए। लेकिन चीन में जो आज ग्लोबल टाइम्स, जो उनका भोपू है सरकारी, उसमें जो लेख छपा है ना, वो ये बताता है कि चीन अभी भी रिश्तों को लेकर आशंकित है। और उसको ये लग रहा है कि जो विरासत ट्रंप छोड़कर गए थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे जो बाइडेन और उनका पूरा प्रशासन। कुछ रिश्तों में मधुरता नहीं आने वाली है, जो खटास है वो पड़ी रहेगी। और जिस तरीके के बयानात चीन के लिए दिए जाते रहे थे, वो आगे भी जारी रहेंगे। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख के मुताबिक, जो चीन के एक्सपर्ट्स हैं उसमें उनकी राय ली गई है। और चीन के एक्सपर्ट्स फिलहाल दोनों देशों के बीच रिश्ते को लेकर सतर्क बताए जा रहे हैं। उनके मुताबिक व्यापार और अन्य मुद्दों को लेकर अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कठोर बयानबाजी जो है वो जारी रह सकती है। और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी के तौर पर नामित जेनेट येलन ने कहा है कि जो बाइडेन का आने वाला प्रशासन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली चीन की अपमानजनक, अनुचित और अवैध प्रथाओं के खिलाफ मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। यह सीधा और सपाट और सख्त बयान है। उन्होंने आगे कहा कि चीन अमेरिकी कंपनियों की कीमतें गिरा रहा है, जिसमें अवैध सब्सिडी मौजूद है, उत्पादों की डंपिंग है, बौद्धिक संपदा की चोरी है और अमेरिकी सामानों के लिए बाधाएं उत्पन्न करना शामिल है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री के तौर पर नामित लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि चीन पहले ही क्षेत्रीय प्रभुत्वकारी ताकत है और मेरा मानना है कि उनका अब लक्ष्य नियंत्रणकारी विश्व शक्ति बनने का है। वो हमसे अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए काम कर रहे हैं और उनके प्रयास नाकाम करने के लिए पूरी सरकार को एक साथ मिलकर विश्वसनीय तरीके से काम करने की जरूरत होगी। तो चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, जो ये कह रहे हैं, उनके ये बयान सीधा सीधा ये बताते हैं कि चीन के साथ वही उसी तरीके के रिश्ते आने भी आगे भी रहने वाले हैं जिस तरीके के ट्रंप प्रशासन में थे। क्योंकि चीन जिस तरीके से लगातार, बिल्कुल सही कहा वहां के रक्षा मंत्री ने, वो कोशिश यही कर रहा है कि इस पूरी दुनिया पर सुपर पावर अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए उसका नियंत्रण हो, और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता रहता है। और अमेरिका इस चीज को भली भांति समझता है, उसके नए मंत्री भी इस सारी चीजों को, चीन की हर चाल को समझते हैं, और इसीलिए वो सीधा और दो टूक उन्होंने कह दिया है कि चीन जो भी हरकतें अपनी करता रहेगा, हमें पता है उससे कैसे निपटना है। तो इसीलिए इन्हीं मंत्रियों के बयान ये बताते हैं, और इसीलिए चीन के एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि हमें स्थितियां सुधरने की तरफ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। उल्टा जो अभी तक हमने देखा है, जिस तरीके के व्यापार के मुद्दे पर या फिर अन्य मुद्दे पर जिस तरीके के कठोर बयान देते रहते थे अमेरिका के लोग, वही आगे भी जारी रहेंगे और प्रशासनीय स्तर पर ये जारी रहेगा। तो आप क्या सोचते हैं, बताइएगा इस पूरी खबर पर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।